Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बहुत सारे बियर्ड हेयर और स्किन के ऊपर वीडियोस करता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू सीरीज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का वीडियो मेन डिजर्व के प्रोडक्ट के बारे में है। इट्स अ हेयर स्टाइलिंग क्रीम। आई एम गोना बी रिव्यूइंग द हाई होल्ड वन। तो अभी बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। ये जो प्रोडक्ट है वो आपको 359 रुपीज़ की MRP यानी कि 360 रुपये में मिलेगा और जो क्वांटिटी है इसकी वो है 50 ग्राम। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ देन आई विल बी गिविंग इट अ 4 आउट ऑफ 5। इट लुक्स गुड, बहुत ही एक गुड लुकिंग पैकेज है। बॉक्स और जो कंटेनर दिया जाता है आपको, इवन दैट इज वेरी वेरी गुड। Only problem I have is with the plastic cover. There is nothing wrong with the plastic cover. The only thing is जब भी आप उसे बंद करने जाएंगे एक एयर टाइट सील बनाने के लिए आपको उसे बीच में से प्रेस करना होगा और वो करते करते थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो बाहर स्पिल हो जाता है। द इशू विद दैट इज दैट ये फिर एक बहुत ही एक मेसी रूटीन बन जाता है। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ, आई लव द फ्रेग्रेंस। बहुत ही एक सूदिंग, प्लेजेंट और स्पोर्टी फ्रेग्रेंस है इसकी। आई विल बी गिविंग इट अ 4 आउट ऑफ 5 ओवर हियर एज वेल। तो अभी चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होंगी, आप पॉज करके उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, सो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े। यस, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ एमोलियंट्स, स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स, हेयर कंडीशनिंग एजेंट्स और उसके ऊपर यू हैव अ फ्यू वाइटामिन्स और उसके साथ काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। एंड हेंस द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज केराटिन रिस्टोर। ह्यूमन हेयर के अंदर जितना केराटिन होता है उसे रिस्टोर करने के लिए ये जो सारे वाइटामिन्स और अमीनो एसिड्स डाले गए हैं इसके अंदर, they are going to help in strengthening the hair shaft and also strengthen your hair from the roots as well. अभी अगर मैं conclusion में आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले अगर मैं application की बात करूँ, so when you rub it in your hands तभी एक hair cream की तरह ही लगता है, but the minute आप इसे अपने बालों के अंदर लगाना start करते हैं, पहले जो strokes आप मारेंगे उसके अंदर आपको ऐसे लगेगा कि आप एक hair wax लगा रहे हैं and the minute the product starts drying up आपको ऐसे लगेगा कि आप एक hair clay लगा रहे हैं। The friction in between your palms and the hair is very very high. अगर मैं इसकी shine की बात करूँ then this does not impart any shine to your hair. It's mostly a matte finish. अगर मैं इसकी होल्ड की बात करूँ over here I'll give it a 3 out of 5. Why I'm saying this is because क्रीम के हिसाब से इसकी होल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है but it is not compared to a wax or a clay. उनकी होल्ड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये being a hair styling cream इट हैज़ गॉट वेरी वेरी डिसेंट होल्ड। ये जितनी भी होल्ड आपके बालों को देता है इज बाई थिकनिंग योर हेयर सो दैट दे कैन सपोर्ट ईच अदर बेटर। अगर मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस की बात करूँ, जो वॉल्यूम आपको मिलेगी इनिशियली वो थोड़ी देर बाद चली जाने वाली है बिकॉज इट्स अ क्रीम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थिकनेस ये देता है दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैं फ्रिज रिडक्शन की बात करूँ ओवर हियर आई एम वेरी इंप्रेस्ड, मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। ये आपके बालों के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है एंड ऑल द फ्रिज इज गोइंग टू गो इमीडिएटली। ये वर्क्स वेरी वेरी वेल। अभी अगर मैं इसकी वॉशिंग की बात करूँ, ये अगर आप गर्म पानी से धो रहे हैं तो काफी हद तक प्रोडक्ट निकल जाता है बट सिंस इट हैज सो मेनी फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स सो इट इज नॉट ईजी टू वॉश दिस ऑफ ओनली विद वाटर। आपको शैम्पू की जरूरत पड़ने वाली है। फाइनली अगर मैं इसको लगाने के बाद फील की बात करूं, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। द प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल हैवी, बहुत ही एक लाइट प्रोडक्ट है एंड इफ यू यूज इट इन मॉडरेशन योर हेयर इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी नरिश्ड एंड वेरी वेरी नेचुरली थिक। सो फाइनली अगर मैं इसकी वर्डिक्ट की बात करूँ देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है। द इंटायर रेंज ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस, अ फ्यू ऑयल्स दैट हैव बीन यूज्ड, they are going to help very very well in nourishing your hair. Only thing I don't like in the ingredients is the preservatives. काफ़ी सारे use किए गए हैं। अब ये product किसके लिए है? If you have dry hair, if you have thin hair, if you have frizzy hair, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही regularly blow dryer use करते हैं, then this product is very very good. इसकी जो heat protectant capacity है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। It is going to protect you from all the heat damage. So this as a pre-styler is very very good. तो अब ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए नहीं है? अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आप एक ऐसे इंसान है जिसको कॉन्स्टेंटली अभी हैवी हेयरफॉल हो रही है देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है एंड यू विल एंड अप पुलिंग आउट अ लॉट ऑफ हेयर। डब्बे के ऊपर लिखा गया है कि दिस कैन बी अप्लाइड टू द बियर्ड एज वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये डब्बे के अंदर और भी कुछ मिला था। सबसे पहले तो मीडियम होल्ड वाला हेयर स्टाइलिंग क्रीम है विच इज़ एंटी डैंड्रफ। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए, लाइक दिस वीडियो और कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं इंस्टा स्टोरीज में आपको एक मिनी रिव्यू दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई गॉट 2 वुडन कोम्स, वन इज अ बियर्ड कोम एंड वन इज अ वाइट टूथ लॉन्ग हैंडल कोम, जो आप बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं और बियर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज कोम्स इज वेरी वेरी गुड, दे आर ऑफ नीम वुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे एक ट्रिमिंग सिजर्स मिले हैं विच आर वेरी गुड फॉर ट्रिमिंग योर मस्टैश, फॉर ट्रिमिंग ऑल द स्मॉल हेयर। सो गाइज, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो इसको खरीदने के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उससे याद आया, अभी 01 इज द डिस्काउंट कोड विच यू कैन यूज ऑन द वेबसाइट टू गेट 10% ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।